अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तो आज कमाल कर दिया। न्यूयॉर्क वाइट हाउस के सामने जो एहतजाज किया है उन्होंने तारीख कायम कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग रूल ऑफ लॉ के हक में एहतजाज के लिए बाहर निकले। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाहर निकले। अवाम ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज किया है। दूसरी तरफ इमरान रियाज और जितनी भी पीटीआई के खवातीन गिरफ्तार हुई हैं, जिनको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, जिनकी जमानतें नहीं हो रही है, उनके हक में भी उन्होंने एहतजाज किया है। अब रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस शख्स के खिलाफ वो खड़े हैं तो उसके साथ पूरी कौम खड़ी है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो उसके साथ खड़े हैं, मगर जिस शख्स के साथ ये लोग खड़े हैं उसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी है और पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी उसके खिलाफ है। उसका नाम नवाज शरीफ है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो लोग उसके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाते हैं। मगर इमरान खान, जिनको इन्होंने जेल में डाल दिया है, उसकी गैर मौजूदगी में हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग कभी बरतानिया तो कभी अमेरिका में उसके हक में एहतजाज करते हैं, उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। फैसला रियासत पाकिस्तान ने करना है कि अवाम को हक देना है कि वो अपना पसंदीदा लीडर चुने या फिर अवाम की मर्जी के खिलाफ गैर मकबूल और गैर पसंदीदा लोगों की एक कठपुतली हुकूमत को दोबारा अवाम के ऊपर मुसलत करना है। और अगर ऐसा किया गया तो रिजल्ट वही होगा जो 16 माह में पीडीएम हुकूमत का था। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।